पहला दोस्त था। इस इफ़ान को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसे बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों किसी ने क्या किस चीज ही से कंप्लेन पशुपति। करी, किस चीज से तुलना की है कि कृष्ण को और मोहम्मद पैगंबर जी को दूध देने वाले जानवरों से, जो चराने वाले जो ग्वाले होते हैं उनसे तुलना कर दी। अच्छे से भी तुलना कर सकते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और वज्र कुमार थे, इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे है, बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है, और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने उसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों के डेवल डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद डेवलपमेंट तौर पर हुआ। डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफी क्यों करूँ? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की जरूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। यह इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई गई। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। इस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ, वह बढ़कर इफ़ान का बाप हुआ। जब इफ़ान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे, तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबाल, नजफ, खुरासान, ताजमहल और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर
पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चार पाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोलती बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब विवाह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूरब बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नक्शा समझ में नहीं आ सकता। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती थी हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हड्डियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ घी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देने का मौका बस मौलवियों मौलवी ही बना रहते हैं। बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू है से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमारे घर भेजे दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस व्यक्ति तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत अपने सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। इसलिए ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबल या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी। इफन स्कूल गया था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। अफन की दादी बीवी कही जाती थी। इफन तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अबू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और अपनी छोटी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था।
अम्मी तो कभी कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यह हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुना नहीं लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलबकावली, हातिम ताई, 5 फुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरी दिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुलुक में एक बादशाह रहा।